भारत विभिन्नताओं का देश है, कहा जाता है। यहाँ पग पग पर भाषा बदलती है, लोक संस्कृति बदलती है और कई परंपराओं का सम्मिश्रण है भारतीय संस्कृति, जिसमें भाषाओं का अहम रोल है। और इसी जमी की खुशबू से बनी उर्दू भाषा को बचाने के लिए जुटे हैं राजस्थान के शमशेर भालू खान। शमशेर उर्दू बचाने के लिए लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय कर चुके हैं और इस पैदल यात्रा को उन्होंने डांडी यात्रा का नाम दिया, क्योंकि ये यात्रा चुरू से गुजरात के डांडी तक जाने वाली थी, लेकिन फिलहाल सरकार के आश्वासन पर यात्रा रोकी गई है। शमशेर भालू खान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुबारक खान ने। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो उर्दू बचाने के लिए लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और जो चुरू कलेक्ट्रेट से निकलकर उदयपुर के पटेल सर्किल तक इन्होंने यात्रा की, फिर सरकार के आश्वासन के बाद कहीं ना कहीं अब वो रुके और उसके बाद जब जयपुर आज ही यहाँ ठहरे हैं, तो उसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इन्हीं से जानेंगे सर, क्या कुछ इस यात्रा के दौरान रहा, ऐसी क्या मजबूरियाँ रही कि आपको ये दांडी यात्रा करनी पड़ी, और जब यात्रा करनी पड़ी लगभग 22 दिन आप पैदल चले, तो फिर उसके बाद किन आश्वासन के पर आप रुके यहाँ? जब 2 सितंबर को डायरेक्टर साहब का एक लेटर निकला तो हमें ये लगा कि अब हमारा अस्तित्व जो है गवर्नमेंट स्कूल से उर्दू है वो ख़त्म हो जाएगी, और जब गवर्नमेंट स्कूल से ख़त्म हो जाएगी तो प्राइवेट वालों का तो कहना ही क्या है। एक ऐसा चलेगा जैसे हम कहानियाँ पढ़ते हैं कि डायनासोर होते थे, ये होते थे, वो कहानियाँ चलेंगी, कभी स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती है। और ये सोचकर हमने अज़्म किया कि हम ऐसी एक यात्रा निकालेंगे जो किसी के खिलाफ नहीं होगी, जो किसी को अजियत नहीं देगी, तकलीफ नहीं देगी, और हम अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाएँगे। और ये सोच कर कि हम 1 नवंबर को अपने चुरू कलेक्ट्रेट से निकले और 22 नवंबर को पटेल सर्किल तक पहुँचे, तब तक सरकार के प्रतिनिधि अधिकारीगण और हमारे और अधिकारीगण के मध्यस्थ कानू खां जी हमारे बीच पहुँच चुके थे और उनसे हमारी सड़क पे चर्चा हुई। उस चर्चा में हमारे जो बिंदु थे वो तय किए गए, मांग पत्र था वो उनके पास पहले से था सरकार, क्योंकि मैंने चलने से पहले मांग पत्र सरकार को भेजा था, सभी जो अपने विधायक गण हैं 200 के 200 सभी को भेजा था, तो और अधिकारीगण जो हैं ऑफिसेज हैं उन सबको भेजा था। तो वो मांग पत्र को लेकर के वहाँ पहुँचे और उन बिंदुओं पे हमने चर्चा की। अब आपकी आपको क्या उम्मीद है सरकार से कि आपको लगता है जब आपकी दांडी यात्रा को बीच में रोक दिया गया, आप रुक गए, तो अब क्या उम्मीद आपको लग रही है कि सरकार आपकी बात मानेगी, क्योंकि अब यात्रा भी आपकी रुक चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस बीच में यात्रा रुकी, कहीं ये आपको एक आश्वासन के तौर पर ऐसे ही बनाया गया हो? नहीं नहीं, आप जानते हैं कि हम गांव के आदमी ठेठ वो होते हैं आड़ू, और एक बार जिस बात को पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। अगर सरकार हमें कहीं भी धोखा देने की कोशिश करेगी, हम तुरंत वार्ता से उठ जाएंगे और उदयपुर के लिए कूच करेंगे। हम किसी आश्वासन को नहीं मानेंगे, हमें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट के लिए हमें तकरीबन 690 किलोमीटर हाईवे का हुआ हमारा सफ़र हुआ है, और अगर सिटीज़ के अंदर या गाँवों में हम जो होते हुए आए हैं वो हमारा सफ़र तकरीबन 950 किलोमीटर के आसपास बैठता है। और सरकार ये तो सोचे नहीं कि हम आश्वासन से मान जाएंगे, हमें पुख्ता रिजल्ट चाहिए। और मसला सिर्फ आप कह रहे थे उर्दू बचाने के लिए, उर्दू वाला नहीं है, अल्प भाषाओं का मसला है ये, 15 सूत्री कार्यक्रम को सही तरीके से लागू करने का मसला है ये।